मन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आई होप सब लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और ईद मना रहे होंगे। तो मैं सुबह का रूटीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सब बिजी थे। हम लोगों ने सुबह उठ के सबने नमाज़ पढ़ी ईद की, तैयार होके, और ये लोग सब ना ईदगाह गए थे नमाज़ पढ़ने, और हम सब ने घर में पढ़ी है और सफाई की है घर की, और अब खीर बनाई है। अभी हम लोग कुछ ना कुछ बना के खाने वाले हैं और अच्छे से ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो और कौन कैसा लग रहा है आज ईद के दिन, वो मैं सब आपको रिकॉर्ड करके बताने वाली हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद फिर जल्दी रेडी हो गई ताकि मैं सबको भी तैयार कर पाऊँ। तो फिर मैंने सबके सिंपल सा लुक में मेकअप कर दिया, जिसको जैसा लुक चाहिए था वैसा उनका मेकअप कर दिया। तो हम लोग रेडी हो गए, सबके सब सब रेडी है। फरीदा, नान, एना। तो ईद है और मिठाई तो बनती है, तो खीर हमने घर में बनाई थी। बाकी की मिठाई कामिल कल मार्केट गए थे तो लेके आए थे झुंझुनू से। और ये जो पेड़े हैं ये झुंझुनू के फेमस है और मुझे बहुत पसंद है ये। तो बस हम बैठ के खाएंगे अब ये सारी मिठाई। हाँ, तो हम पूछते हैं कि सुल्ताना की पहली ईद थी नुआ में, और आपकी ईद कैसी रही? फर्स्ट ईद है शायद आपकी घर से बाहर? नहीं, तो घर से बाहर। हाँ, घर से बाहर और ससुराल में पहली ईद। अच्छा, तो कैसी रही आपकी ईद का एक्सपीरियंस? कैसा अभी है? तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो हमारा घर नहीं है, जिला बन चुका है। आज हमारे घर में हमने काउंट किए तकरीबन 22 मेंबर्स है, जॉइंट फैमिली। मेरी सारी बहनें आई हुई हैं, उनके बच्चे हैं, भैया हैं। इस बार मैं भी हूँ, इस बार सुल्ताना भी है। वरना क्या होता है कि हम सब अलग अलग होते हैं। कभी मैं बाहर होता हूँ, मैं तो इंडिया में हूँ तो आता ही हूँ ईद पे। और मैं भी जोधपुर होती हूँ। हाँ, ये जोधपुर होती है। भैया जो हैं वो बाहर होते हैं तो वो आ नहीं पाते हैं, कभी कभी होते हैं कभी नहीं होते। बहनें सारी एक साथ नहीं हो पाती हैं। इस बार जो टीचर हैं वो भी आई हैं, छोटी वाली भी आई हैं, बड़ी वाली भी आई हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह सारे आए हैं। वरना स्टडीज़ के लिए किसी न किसी को वो रहता है। तो अच्छा, तो आपने इतने सालों शहर की ईद मनाई है और आज फर्स्ट टाइम आप पहली बार छोटे टाउन या गांव की ईद मना रहे हो, तो क्या फ़र्क होता है गांव की ईद में और शहर की ईद में? मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? इंटरव्यू समझ लो आप, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ। कि बहुत सारे ऑडियंस देख रही है, वो भी सोच रहे होंगे आपके सब्सक्राइबर्स की, उनको पता चले कि गांव और शहर में ईद जब मनाए जाते हैं तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। ज़्यादा नहीं, मेरे घर में थोड़ी कम रौनक होती है क्योंकि चार पांच लोग ही होते हैं और आते नहीं है, सब अपने अपने घर रहते हैं। यहाँ मतलब सब भरा हुआ ऐसा लग रहा है कि हाँ फेस्टिवल है, कुछ त्यौहार है, ईद है। तो आगे भी आपको बताएंगे अब सबको क्या करते हैं कि सबको ईदी दी जाती है, छोटे जो छोटे होते हैं उनको बड़े ईदी देते हैं। आपकी दीवन दी है ना अभी, 500 रुपए लेके गए वो छुट्टी करवाने के लिए, मेरे से लेके दे रही है बट बच्चों को जो ईदी दे रही है वो झूठे, तो मैंने दे दी है। झूठ बोल रहे हैं, नहीं मेरे पास है। तो सबको ईदी देंगे आज सुल्ताना, फर्स्ट टाइम सबको बच्चों को ईदी देगी। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आप ईदी दोगे अपने से छोटों को यहाँ, वरना लेते ही लेते हो तो अच्छा। मेरा सवाल भी हूँ, आज आपको ऐसे ऐसे पहली बार दूंगी जैसे मामी चाची। तो इतनी सारी ईदी दे के आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो कैसा फील होगा, आपको फील होगा? नहीं, क्या आपने कोई सोचा था आपको इतने लोगों को ईदी देनी पड़ेगी? नहीं, खुशी तो बहुत हो रही है सबको ईदी देने का, मतलब खुश हो जाएंगे बच्चे, खुश हो जाएंगे। जैसे मुझे बचपन में मिलती थी, मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मुझे ईदी मिली, तो अच्छा है बच्चे मेरी तरफ से भी खुश होंगे कि हाँ मामी ने चाची ने उनको ईदी दी आज पहली बार। तो वो आपको वीडियो दिखाएंगे जब ईदी देंगे ये, तो वो आपको आगे दिखाएंगे। बने रही वीडियो के अंदर, आगे भी मजे करेंगे, क्या करते हैं, क्या क्या मिठाइयाँ बनी हमारे घर। हाँ। सब बताएंगे। और सब घरों में क्या होता है, ईद बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार कोविड की वजह से थोड़े से प्रोटोकॉल हैं, तो बाहर लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इस बार नमाज भी बाहर नहीं हुई, तो उसका ध्यान रखें सब लोग, और फिर सबसे प्यार से रहें। क्या ले रखे सुल्ताना हाथ में? ईदी। हाँ, तो गाइस ईदी देंगी सुल्ताना आज गांव में फर्स्ट टाइम बच्चों को। छोटे होते हैं, बड़े जो हैं वो छोटों को ईदी देते हैं। ये हमारी करीना को, ये वहीदा को, ये रुमान को, ये डॉक्टर साहिब फ्यूचर डॉक्टर साहिब अफनान को, ये फरीदा को।
तो गाइज ये क्या होता है कि बड़े जो हैं वो छोटों को ईदी देते हैं, ठीक है। तो सुल्ताना की फर्स्ट ईद थी ये गांव में, तो उन्होंने सबको ईदी दी। क्या निकला ईद में? ओहो, ये मेरी तरफ से भी है, मेरी और दोनों की है। और चलो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे बड़ी बहन है मेरी, एक भैया है सबसे बड़े, फिर ये उनके बाद समीना। इनके तीन चार बच्चे हैं, एक लड़का है सबसे बड़ा अबू बकर, और तीन लड़कियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लड़की ये है फरीदा, उसके बाद हमारी डिज़ाइनर वहीदा, उसके बाद सबसे छोटी रुमान, और ये मेरी भतीजी है। भैया के दो बच्चे हैं, एक लड़का रिजवान, तो आप देखा होगा, आता है वो वीडियोज़ में, और एक ये है उनकी लड़की। ये जो टीचर हैं, एक व्लॉग भी बनाया था इनके घर, हम दावत पे गए थे। इनके दो बच्चे हैं, ये अफनान और इरफान, जो भी यहाँ पे है। नहीं, एक मेरी सबसे छोटी बहन है आशिया, का बर्थडे तो आपने देखा होगा, उसका बर्थडे, वो अभी बाहर गए हुए हैं। जो हमारे क्या होता है, ग्रीटिंग्स करने एक दूसरे के घर जाते हैं सलाम करने, तो वहाँ पे गए हुए हैं, वो आएंगे तब आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, है ना। तो ये हमारे रिजवान, ये हमारा भतीजा, ये ईदी रिजवान की बच्ची है। क्या रिजवान, ईदी तो है क्या इसमें? खाली तो नहीं है? ओहो। ये हमारे अबू बकर सदीक को ईदी मिलती हुई। मेरी चाची का जो है वो दोएता, हमारा भांजा हो गया। मेरी सिस्टर जो चाची की बेटी, उनका बेटा है फरमान, जो है ये वैसे आर्मी में है, हमारा सोल्जर है, अभी छुट्टी आए हुए हैं। तो फरमान, आप जब वहां पे होते हो तो कैसे ईद मनाते हो? जब आप बॉर्डर पे होते हो तो कैसे ईद मनाते हो? कैसे बनती है आपकी ईद? सब मिलजुल कर मनाते हैं हम ईद। कैसे, कोई डांस वांस होता नहीं? है, डांस पार्टी नहीं, करते बस हो? प्रोग्राम होता है कभी नॉर्मल। आपने बॉर्डर पे ऐसे बनाई कि पाकिस्तान वाले भी आपको ग्रीटिंग्स नहीं? नहीं, देते हैं? ऐसा कभी आपने मौका हमें मिला नहीं अभी तक ऐसी मिला? सर्विस में। देखो भाई, फरमान जो है उसे जयपुर में रहता है। गांव की ईद अच्छी लगती है, शहर की ईद अच्छी मुझे लगती गांव की है? ज्यादा पसंद गांव है की ज्यादा मुझे। पसंद है? क्यों, क्या चीजें पसंद आपको गांव की में? यहाँ के लोग, जो दोस्त हैं, घर परिवार ज्यादा इधर ही है गांव में, तो गांव में इसलिए। क्या होता है कि लोग काफी मिलजुल के रहते हैं। शहरों में क्या है, ज्यादा फेस्टिवल का इतना मजा नहीं आता। मैं भी रहा हूँ शहर में, तो मजा नहीं आता गांव में जो मजा आता है। ये मामी से मिलेगा, पहली बार आया तो इसको चॉकलेट मिले। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो बोल दो सब। सो दिस इज इट। हम लोगों की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी बहुत अच्छी गई होगी। पिछली बार से तो ज़रूर अच्छी गई होगी, क्योंकि पिछली बार ना तो हम किसी से मिल पाए, ना ईद अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, ना ही कपड़े खरीद पाए नए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सजेशन दे कमेंट करके कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। और बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें सबको। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।